मदन मोहन को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मदन मोहन झा को जी को बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से हम राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक सुलझे हुए व्यक्तित्व को जो सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं करी थी जो गरीबों को तक सीधे पहुँचती थी। तो मदन मोहन झा जी को हम बधाई देते हैं और खासकर उनकी जवाबदेही तब बढ़ जाती है जब देश में स्वर्ण आरक्षण को लेकर के एक मांग छिड़ी है और जीतन राम मांझी जी इसके पक्षधर हैं। तो वैसे परिस्थिति में आज देश के स्वर्ण भी जान ले कि कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस हर तबके के साथ है और हर सब तबके का विकास चाहता है। मदन मोहन झा जी दलितों के बारे में भी सोचते हैं, पिछड़ों के बारे में भी सोचते हैं और एक ऐसे कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं जो कार्यकर्ता आम जनता की आवाज़ को सुनता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले स्वर्ण कार्ड खेला है। देखिए, कांग्रेस ने हर तरीके का कार्ड खेला, ये स्वर्ण कार्ड ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि मदन मोहन झा आते स्वर्ण जाति से हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किया है, और गरीब हर तबके में होते हैं, वो चाहे स्वर्ण हो या फिर दलित हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, हर तबके में होता है। तो मदन मोहन जी का जो गरीबों के प्रति किए गए कार्य है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और उस बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी ने कार्यभार सौंपा है जो व्यक्तित्व निश्चित तौर पर गरीबों के।